सो गाइस, एक बार फिर से मैं किसी नए चैनल में किसी नए टॉपिक पे आपको दिख रहा हूँ आज। सो गाइस, ये मेरे ब्रदर का चैनल है, इसमें भी मैं दिखता रहूँगा आजकल। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मुर्कट्टी मुर्गी, जो मुर्कट मुर्गी होती है उसका, और कड़कनाथ मुर्गे में जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो कैसे ब्रीडिंग निकलती है, किस टाइप के निकलते हैं, आज वही दिखाता हूँ आपको। बस वीडियो देखते रहिए, बहुत ही टाप टाप बच्चा निकले हैं मुर्गी के, आपको भी दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मुर्कट्टी मुर्गी है, रेड कलर में है। अब इसके बच्चे देख लीजिए, ये सबसे पहले ये देखिए, ये सबको किनारे कर देता हूँ, जितने इसमें मुर्कट्टे हुए हैं उसको अलग करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, इधर देखिए, ये देखिए इसका पैर देख लीजिए, पूरा बिल्कुल काला है, बच्चा भी काला है, गर्दनें भी थोड़ी थोड़ी काली होने लगी है। अभी छोटा है तो थोड़ा रेड में, बड़ा हो जाएगा तो ये बिल्कुल काली हो जाएगी पूरी। ये मुर्कट्टे वैसे ऐसे ऐसे पांच छह बच्चे हुए हैं, दो यहाँ पे हैं। अरे यार, ये तो भाग जाते हैं सब। और ये वाला देखिए, ये फाइटर में का बच्चा हो गया, इसी मुर्गी का है, इसी मुर्गी का बच्चा ये, लेकिन मुर्गा फाइटर वाला था तो बच्चा ऐसा हुआ है। देख लीजिए, पैर और पैर सफ़ेद है और मुर्कट्टा ये गर्दन कटी हुई है, मतलब बाल नहीं है, यहाँ पर नहीं होता है। अलग तरह की नस्ल निकल चुकी है यहाँ पे, आपको कुछ अलग अलग बच्चे दिख रहे होंगे। ये भी देखिए, ये भी, ये वाला भी फाइटर में से है, किसी और मुर्गी का बच्चा ये, और बाकी सब कड़कनाथ हो गए हैं। सभी अंडे इसी के थे, बस तीन से चार अंडे किसी और के थे, इसीलिए वो लड़ाकू टाइप में है, क्योंकि मुर्गा वाला खुला रहता था, फाइटर वाला। देख लीजिए, यहाँ पर एक फाइटर का है, दो तीन, ये तीन हो गए, थ्री, ये चार, ये चार देख सकते हैं, इनके चारों पैर सफ़ेद हैं, ये लड़ाकू टाइप में हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, और बाकी सब कड़कनाथ में है, कि इसमें से पांच मुर्कट्टे कड़कनाथ हैं। दिखाता हूँ, आप ये बच्चे देख सकते हैं, सभी काले काले हैं, सबकी टांग काली है, कुछ पांच बच्चे इसमें मुर्कट्टे हैं कड़कनाथ वाले में से। और इसमें से ये वाला मुर्कट्टा है लड़ाकू वाला, बाकी सभी लड़ाकू है, लेकिन अलग का कलर अलग है, मुर्कट्टे नहीं हुए। और नए नए टाइप के बच्चे हो चुके हैं यहाँ पर। ये मुर्कट्टी मुर्गी रही है 200 की, 300 की, और वो कड़कनाथ मुर्गा तो रहा है 1500 का, मिला जो लगे इनके बच्चे अब बिकेंगे 3000 के। ऐसे ब्रीड कराने से बच्चे अच्छे होते हैं, कमाल के रहते हैं एकदम। और गाइस, अगली बार तो इसका अंडा पूरा बैठाऊंगा ताकि बच्चे ढेर सारे हो जाए, पूरे बच्चे इसी के हो जाए, ऐसे ही दिखने में तो अभी फ़िलहाल ठीक लग रहे हैं, ये बड़े होने के बाद कैसे लगेंगे कि ये पता है नहीं। यहाँ पे ये मुर्कट्टे बच्चे अभी पहली बार हुए हैं, एक ही साथ के बच्चे हैं, एक ही दिन के पूरे हैं, टोटल 12 बच्चे हैं, 12। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल का इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे भाई का चैनल है। और मेरे चैनल को अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, मेरे चैनल को भी विज़िट कर लेना, इसमें हार्ड हार्ड वीडियो हैं, आप लोग की मर्ज़ी है, आप चाहे देखें या ना देखें, वो तो आपके ऊपर निर्भर है।
लेकिन ये बच्चे को देख लीजिए आप, बहुत ही टाफ बच्चे हैं।